वालेकुम। आज मैं आपको सिखाऊंगी आलू गोश्त बनाना। आलू गोश्त बनाने के लिए मैंने बकरे का गोश्त लिया है, ये बकरे की चापे और उसका मिक्स किया हुआ है। ये तकरीबन आधा किलो के करीब गोश्त है। प्याज जो है वो मैंने चार दरमियानी ली है और ये इसको मैंने कट कर लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 चम्मच, नमक 1 चम्मच, आप अपने हस्बैंड जरूरत भी रख लीजिएगा। लाल मिर्च पिसी हुई 1 टेबल स्पून और देगी लाल मिर्च जो ली है वो मैंने 1 टी स्पून ली है। हल्दी 1 टेबल स्पून, जीरा 1 टी स्पून, धनिया पाउडर 1 टी स्पून, दही मैंने 4 टेबल स्पून लिए हैं और टमाटर मैंने 4 अदद लेकर उसको कद्दूकस कर लिया है ताकि उसका छिलका वगैरह सब निकल जाता है। हरा धनिया, हरी मिर्चें, ये गार्निशिंग के लिए मैं यूज करूंगी। आलू 4 अदद लिए हैं मैंने, आधा किलो के करीब। गरम मसाला है ये जो मैं इसमें कूटूंगी, यूज करूंगी मसाला, इसको पीसना है। इसमें 1/2 टी स्पून जो है वो मैंने जीरा लिया है, एक दालचीनी ली है, एक ये बादियान का फूल, 2 छोटी इलायची और 1 बड़ी इलायची, और 8 से 10 मैंने काली मिर्च ली है और 8 से 10 मैंने सफेद मिर्च ली है। इसमें 1/2 कप के करीब आप ऑयल ले लें। प्याज और जीरा जो साबुत है वो मैं इसमें डालकर को हल्का सा फ्राई। अब प्याज हल्की लाल हो गई है तो अब इसमें मैं गोश्त डाल दूंगी। और जब ये इसका मसाला भुनने लगेगा तो फिर इसके अंदर पानी ऐड करूंगी ताकि वो गल जाए गोश्त। अभी सिर्फ मैं इसको ढक के रख रही हूँ ताकि इसका मसाला जो है आपस में मिक्स हो जाए। ये 15 से 20 मिनट में जो है वो मसाला जो है वो भुन जाएगा। इसमें मैंने पानी अभी बिल्कुल ऐड नहीं किया था, ये मसाला बिल्कुल भून चुका है। इसमें हरी मिर्ची डाल के, हरी मिर्चें डाल के फिर मैंने इसको, एक हरी मिर्च ली है मैंने और उसको मैंने कट कर लिया है ताकि इसमें से गोश्त के साथ जब भूनते हैं तो उसकी खुशबू आ जाती है सालन में। अब मैं इसके अंदर पानी, 1 गिलास पानी जिसमें गोश्त गल जाए, पहले मैंने इसमें पानी ऐड नहीं किया था, अब मैंने इसके अंदर पानी डाला है। अब मैं इसको ढक दूंगी जब तक गोश्त नहीं गलता। थोड़ा तकरीबन आधा घंटे के लिए इसको मैं धीमी आंच में पकाऊंगी क्योंकि ये बकरे का गोश्त है तो ये 45 मिनट तक लेते हैं गलने के लिए। तो मैं इसको 15 से 20 मिनट के लिए पका के फिर मैं इसमें आलू डाल दूंगी। अभी मैं इसको ढक दूंगी।
अब 20 से 25 मिनट के करीब हो गए हैं और गोश्त जो है तकरीबन वो गल गया है। अब ये गोश्त के अंदर मैं आलू डाल रही हूँ। गोश्त भी अब गलने वाला है तकरीबन और आलू भी इसके साथ गल जाएंगे। अब जितना मैं आप लोग शोरबा चाहें मैं इसमें एक आधा गिलास जो है पानी डालूंगी ताकि शोरबा भी बन जाए। अब मैं इसके अंदर मीडियम आंच में आप रख के इसको ढककर पका लें। 15 मिनट तक जो है आप मीडियम आंच रखिएगा और 5 मिनट जो है वो मैं हरी मिर्चें और हरा धनिया डाल के उसमें फिर मैं उसको 5 मिनट के लिए रखूंगी। अब ये 15 मिनट हो गए हैं और आलू भी गल गए हैं। आलू चेक कर लेती हूँ कि गले। सालन आपका रेडी हो गया। अब इसके ऊपर आप हरी मिर्चें और हरा धनिया गार्निश करके आप खाना भी सर्व करें। चाहे इसके साथ व्हाइट राइस रखें चाहे आप रोटी के साथ।